साथ ही खबर आ रही है कि चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव जीतने के बाद जुलूस निकालने पर रोक लगा रखी है, लेकिन इसके बावजूद प्रदेश के कई जिलों में विजयी प्रत्याशियों ने जुलूस निकाला। खबर आ रही है बहराइच से, जहां पर प्रधान ने जीत के बाद विजय जुलूस निकाला और नेपाल बॉर्डर से सटे रुपरडीहा में निकाले गए इस जुलूस में जमकर नियमों की धज्जियां उड़ाई गई और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। नारेबाजी का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि यह घटना रुपरडीहा बाजार के चकिया मोड़ की बताई जा रही है। जुलूस के दौरान कुछ प्रधान समर्थकों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए हैं, जिस जगह यह नारेबाजी की गई उसके पास एक कस्टम ऑफिस थाना और एसएसबी की पोस्ट भी है। इसके बाद भी बेखौफ समर्थकों ने देश विरोधी नारे लगाए। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्यवाही करते हुए प्रधान समेत 100 समर्थकों पर महामारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। सीओ नानपारा डॉक्टर जंग बहादुर वर्मा ने बताया है कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे वाले वीडियो में रुपरडीहा बाजार निवासी विजय सोनू नामक युवक ने अपने फेसबुक पर पोस्ट किया था और इस वीडियो को कब्जे में लेकर जांच की जा रही है। सीओ ने बताया है कि रुपरडीहा से हाजी अब्दुल करीम प्रधानी का चुनाव जीते हैं और उनकी जीत के समर्थन में ही जुलूस निकाला गया। इस मामले में दो युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी के अनुरूप विधिक कार्यवाही की जाएगी। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने विजय जुलूस पर पूरी तरह से रोक लगा दी है, लेकिन बावजूद उसके विजयी प्रत्याशी लगातार जुलूस निकाल रहे हैं और कोरोना नियमों की लगातार धज्जियां उड़ा रहे हैं, जिसके कारण अलग अलग जिलों से ऐसी तमाम खबरें सामने आ रही है। लेकिन बहराइच के रुपरडीहा में कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाने के साथ साथ देश विरोधी नारे भी लगाए गए, जो कि बेहद निंदनीय है।